हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अंडर ट्रिक्स एंड टिप्स में। और आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर की। ये हमारे पास बजाज की एवेंजर है 220 220 cc, जिसमें हमने टोटल सर्विसिंग करनी है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि सर्विसिंग में क्या क्या होता है। मैं पहले आपको गाड़ी दिखा देता हूँ कि ये कितने किलोमीटर चली हुई है, और उसके बाद हम इसको खोलेंगे। ये देख लीजिए आप, 25,384 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। और अभी हम इसको टोटल खोलने के बाद और करेंगे इसकी फिटिंग वगैरह, क्या क्या खोलते हैं, क्या क्या चेक करते हैं सर्विसिंग में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कोई मेरा नया वीडियो आएगा तो अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हम सबसे पहले इसका ऑयल ड्रेन करेंगे। ऑयल ड्रेन करने के लिए मैं आपको एक नट दिखा देता हूँ। 17 नंबर का नट रहता है इसमें। ये नट देख पा रहे होंगे आप, ये नट रहता है यहाँ, और इसको हम खोल देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको फटाफट खोल के ऑयल ड्रेन कर लेता हूँ। तो हम इसको ये 17 नंबर का पाना या गोटी कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, और ये बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। ये मैं खोल देता है। तो दोस्तों, ये खोलने के बाद हमारा सारा ऑयल जितना गाड़ी में होगा, इसमें 1.25 लीटर ऑयल पड़ता है, वो सारा बाहर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ऑयल आ रहा है हमारा बाहर, देख पा रहे होंगे आप, सारा ऑयल आ जाएगा। और ऑयल भी आप देख रहे होंगे कैसा हो रहा है, ये एकदम बेकार ऑयल हो रहा है। तो अभी हम इसका फिल्टर वगैरह खोलेंगे, चैनल खोलेंगे, स्पार्क प्लग वगैरह सारे चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी इसका फिल्टर खोलता हूँ। तो दोस्तों, अभी इसका गियर लीवर वगैरह खोलेंगे और पूरा करेंगे बाहर। गियर निकालेंगे, इस पॉकेट का ये जो अगले स्पॉकेट होता है इसको खोल के हम बाहर यहाँ चेक करेंगे। यहाँ गंदगी होती है बहुत सारी, जिससे हमारी चैन आवाज करने लग जाती है, उसको हमें क्लियर करना होता है। दोस्तों, चलिए हम इसको फटाफट से खोल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको इसके अंदर का। ये दोस्तों, इसमें ये गात देख पा रहे होंगे आप, ये गात कितनी है। इस गात के कारण हमारी चैन जो है बहुत ज्यादा आवाज करती है, तो हमें इसकी टाइम टाइम पे सफाई करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसको साइड रखते हैं और बाकी एयर फिल्टर वगैरह खोलते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये गरारी के जो दांते हैं, ये देखिए और ये देखिए, ये दांत टूटा हुआ है। बाकी और मैं घुमा के दिखाता हूँ इसमें, इसके कारण आपकी गाड़ी ज्यादा आवाज करती है चैन। ये देखिए, ये भी टूटा हुआ है, और दिखाता हूँ एक और है, ये देखिए, ये आपके 4 दांत टूटे हुए हैं इसमें, जिससे आपका जो चैन है बहुत ज्यादा आवाज करती है। मैं थोड़ा और नजदीक करता हूँ कैमरा, ये देखिए दोस्तों, ये के दांत टूटे हुए हैं, एक ये है और एक ये है, 4 दांत टूटे हुए हैं इसमें, तो चैन ज्यादा आवाज करती है। तो दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, अगर ये टूटा रहेगा तो ये इस पॉकेट अलग से आता है, आपको ये चेंज कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं फटाफट से इसको टोटल खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें ये पैनल खोलना है। पैनल खोलने के लिए ये दो नट देख पा रहे होंगे आप, ये दो नट खोलने हैं और पैनल आ जाएगा हमारा बाहर। और उसके बाद हम इसका फिल्टर बॉक्स खोलेंगे। ये देखिए, पैनल बाहर आ गया है, और फिल्टर बॉक्स इसका ये हुआ। इसमें हमें कई सारे नट खोलने होते हैं, जैसे कि आप यहाँ होगा एक नट, एक अंदर होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और एक इस साइड होगा, और एक इस साइड होगा। ये सारे नट खोलने के बाद हमारा फिल्टर बॉक्स आ जाएगा बाहर। तो चलिए दोस्तों, हम इसको भी खोल ही लेते फटाफट से। तो दोस्तों, ये निकल चुका है हमारा फिल्टर। फिल्टर देख पा रहे होंगे आप कैसे डस्ट हो रही है इसमें। इसमें ज़्यादा डस्ट होगी तब भी आपकी गाड़ी प्रॉब्लम करेगी, तो इसलिए सर्विसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है इसका। ये इधर से तो ठीक होगा, क्योंकि ये बाहर साइड है और ये अंदर, ये बाहर साइड है और ये अंदर साइड है। अंदर साइड वाला ठीक रहता है, और बाहर साइड से इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पकड़ लेता है, जबकि कार्बेट में नहीं जाने देता है ये। तो इसलिए हमें इसको बहुत ज़रूरी होता है साफ करना। चलिए दोस्तों, अभी हम इसको सारा क्लीन करेंगे। तो दोस्तों, हम इसका भी एक ये स्पार्क प्लग खोलेंगे, और एक उस साइड होता है वो भी स्पार्क प्लग खोलेंगे, और चेक करेंगे कि ये कैसे निकल रहे हैं कैसे नहीं निकल रहे हैं। हमको ये लगाना है प्लग पाना, और उसके बाद सीधे से इसको खोल लेना है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, ये प्लग खुल चुका है। प्लग देखिए हमारा गंदा निकल रहा है, अभी हम इसको भी क्लीन करेंगे। तो अभी मैं चलिए दूसरा प्लग देख लेता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। चलिए दोस्तों, हम दूसरा खोल लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसकी कैप निकाल दी है, अब ये प्लग मैंने खोलना है। इसके लिए हमने वही प्लग पाना लगाना पड़ेगा, और आसानी से खोल लेना है इसको भी इस टाइप से। और फिर हम इसको भी चेक करेंगे कि ये कैसा है कैसा नहीं है, कैसा निकला है, गंदा है या क्या है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये देखिए, इसमें किसी ने प्लग भी ये गलत डाल रखा है, जो भी है, मतलब स्प्लेंडर वाला डाल रखा है। इसमें पल्सर वाला लंबी चूड़ी वाला प्लग आता है, तो ये भी काफी गंदा हो रहा है। अभी हम इसको चेंज भी करेंगे। और ये देखिए, दोनों प्लग हैं ये, एक छोटी चूड़ी का और एक बड़ी चूड़ी का। तो यही होता है दोस्तों, गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम करने का चांस। तो दोस्तों, हमने सारा कुछ खोल लिया है, और हमें इसके बाल भी चेक करने होते हैं सर्विसिंग के टाइम पे। तो हम इसके बाल भी चेक करेंगे। ये इसके टाइपिट कैप,
एक ये है और एक ये है, हम दोनों खोलेंगे और उसके बाद हम इसके बाल चेक करेंगे कि बाल टाइट हैं या ढीले हैं, जैसे भी हैं। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से टैबेट कैप खोल लेते हैं। इसके टैबेट कैप खोल लेते हैं। हमको एक चाहिए होगी 24 नंबर चाबी, चाबी जो ये है मैं इसमें लगा के यहाँ से आपको हल्का सा प्रेस करना है और ये आसानी से खुल जाएगा टैबेट कैप। उसके बाद हम इसका टाइमिंग मिला के बाल चेक करेंगे कैसे हैं कैसे नहीं है। और आपको हर सर्विसिंग में वैसे गाड़ी के बाल चेक करने चाहिए, तो मैं ये खोल लेता हूँ और उसके बाद हम इसमें आपको दिखाते हैं प्ले कितनी है कितनी नहीं है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ टी का सैंबल, एक निशान है टी का जिससे मैंने टॉप मिलाया हुआ है। अब मैं इसके बाल चेक करूंगा, टॉप में ही करके आपको चेक करने होते हैं बाल गाड़ी के कि कैसे ढीले हैं या टाइट हैं जो भी है। तो मैं भी इसको बाल चेक कर लेता हूँ, टॉप मैंने दिखा दिया है, ये देखिए सीधे टी बनी हुई है और सामने एक निशान देख पा रहे होंगे आप ये छोटा सा, इस निशान के अगर सामने टी रहेगी तो आपका टॉप मिला हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट से इसके बाल चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो हमारा बाल है कार्बोरेटर साइड वाला, ये हल्का सा टाइट है और जो हमारा पीछे वाला बाल है साइलेंसर साइड वाला, साइलेंसर साइड वाला बाल हमारा बिल्कुल सही है। तो हमको ये बाल सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं फटाफट से ये बाल सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने 8-9 के पाने से इसको सबसे पहले हल्का ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद हमको एक टैपिट गोटी की जरूरत पड़ेगी और उससे हमें इसको सेट करना है हल्का सा, वही मैं बताऊंगा अभी किस टाइप से आपको करना है। तो सबसे पहले हमने इसको ऐसे ढीला करना है, ये हो चुका है हमारा ढीला। और उसके बाद हमने ये टैपिट गोटी लगानी है, गोटी लगाने के बाद इसको हल्का सा ढीला करना है। आप देख पा रहे होंगे इस टाइप से आपको गोटी लगानी है और इस टाइप से हल्का सा ढीला कर देना है और उसके बाद दोबारा से टाइट करके चेक कर लेना है। तो मैं भी चेक कर लेता हूँ इसको कितना ढीला हुआ है कितना नहीं हुआ है। हाँ ये इतना ठीक है, इतना चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको फटाफट से टाइट कर देता हूँ। दोस्तों टैबिट हमने पूरे कन्फर्म मिला दिए हैं इसके और अभी हम कैप वगैरह लगा के इसका बाकी सामान क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे फिटिंग। तो चलिए दोस्तों मैं इसकी फटाफट से कैप लगा लेता हूँ। तो दोस्तों हमने दोनों बराबर प्लग ले लिए हैं और अभी हम इनको फिटिंग फिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस साइड का फिट कर लेते हैं, लगा लेते हैं इसमें और उसके बाद हम उधर का फिट करेंगे। देख पा रहे होंगे आप मैंने एकदम क्लियर कर रखे हैं दोनों प्लग, दोनों के दोनों। तो चलिए मैं फटाफट से इसको फिट कर लेता हूँ और उसके बाद वो वाला फिट करेंगे। तो दोस्तों ये हो चुका है कम्प्लीट, हमने ऐड का अडाप्टर लगा दिया इसमें, अब हम उस साइड का जाके स्पार्क प्लग लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमने लगाने के लिए सबसे पहले भी इसको प्लग को प्लग पाने में बिठाना पड़ेगा। प्लग पाने में बिठाने के बाद आपको इस टाइप से लगाना है और सीधे टाइट कर देना है, अपने आप ही चूड़ी पकड़ लेता है ये। और इसमें कुछ नहीं करना होता है, हाथ से बिठाओगे तो उसमें इतनी स्पेस नहीं होती जिससे आपका हाथ लग जाए, उस वाले में स्पेस होती है उसमें हाथ लग जाता है। तो हमको ये फटाफट से लगा देना है, ये लग चुका है, अब हल्का सा कर देना है इसको टाइट, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है नहीं तो ये अंदर ही टूट जाता है। और हमने उसके बाद अडाप्टर लगा देना है इस टाइप से। अब ये हमारे समझ लो स्पार्क प्लग हो गए कंप्लीट और अभी हम चलते हैं एयर फिल्टर की तरफ, अभी इसका एयर फिल्टर फिट करेंगे। तो दोस्तों हमें फिल्टर फिट करने के लिए सबसे पहले ये जाली फिट कर देनी है, यहाँ इस टाइप से लगा देनी है, जाली यहाँ सेट हो जाएगी। और उसके बाद हमको हमारा ये एयर फिल्टर क्लीन हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से, हमको इसको बिठा देना है यहाँ अच्छे तरीके से, जैसे कि ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ये आराम से बिठा देना है इसको प्यार नाल एकदम बढ़िया करके, ये मैंने बिठा दिया है। और अब हमने इसका फिल्टर बॉक्स लगा देना है। इसमें दोस्तों हल्का ऑयल लगाया है जिससे कि धूल मिट्टी यहीं पकड़ ले अंदर ना जाए, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना ही पड़ता है। और उसके बाद हम ये लगा देते हैं इसका फिल्टर बॉक्स, ये देख पा रहे होंगे आप इसमें भी ये जाली रहती है और ये जाली खोल के आप अंदर से साफ कर सकते हैं पूरा। तो अभी मैं इसको फिट कर देता हूँ, ये इस टाइप से आपको कर देना है फिटिंग, बढ़िया से अच्छे से बिठा देना है और उसके बाद लगा देने सारे नट। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट से लगा लेता हूँ थोड़ा पीछे करके। तो दोस्तों फिल्टर बॉक्स हो चुका है हमारा कंप्लीट, अभी हम ये चैन का स्पॉकेट वाला कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें हल्का ग्रीस या ऑयल जो भी है वो कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको फिटिंग कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले इसमें हल्का हल्का ग्रीसिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप मैंने सब क्लियर कर लिया एकदम बढ़िया से। तो अभी हम इसको यहाँ गियर शाफ्ट में फिट कर देंगे, ये हमारा गियर शाफ्ट में आएगा यहाँ, ये वाला यहाँ आएगा। तो मैं इसको इस टाइप से बिठा देता हूँ, ये देखिए आप बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। और यहाँ और एक यहाँ नीचे दोनों नट लगा देने, एक नट यहाँ और एक नट यहाँ, 8 नंबर के नट होते हैं इसमें। तो मैं लगा देता हूँ फटाफट से, ये तो दोस्तों ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और अभी हम इसकी गियर शाफ्ट लगा लेते हैं, ये जो है गियर लीवर हम लगा लेते हैं इसको इस टाइप से। और हमको ये चेक करना है कि इसके गियर सारे पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से लगाना पड़ता है ये सही तरीके से।
तो इसका सही तरीका होगा यहाँ यहाँ हमारा पड़ेगा अभी और निकलेगा भी गियर, तो हमारा यहाँ ठीक है। तो दोस्तों मैं फटाफट से इसको लगा लेता हूँ। तो दोस्तों गियर लीवर हमारा कंप्लीट हो गया, सारे गियर पड़ रहे हैं, सब कुछ पूरी गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हमने ये स्टार्ट करके चेक करनी है कि ये क्या कैसे स्टार्ट हो रही है, रनिंग रोक रही है नहीं रोक रही है, क्या दिक्कत है, और कोई आवाज़ तो नहीं है इंजन के अंदर। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट से गाड़ी कर लेता हूँ। सॉरी, अब पहले सबसे पहले हम इसमें इंजन ऑयल डाल लेते हैं। तो दोस्तों गाड़ी हो चुकी है हमारी कंप्लीट और अभी हमने इसमें इंजन ऑयल नहीं डाला है, अब हम इसमें इंजन ऑयल डाल लेते हैं। इंजन ऑयल हम दिखाएंगे आपको कौन सा वाला डालेंगे और कितना पड़ता है इस गाड़ी में वो भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने क्लच के साइड और वहां दिखाते हैं आपको ऑयल। तो दोस्तों ये है कैस्ट्रॉल एक्टिव 1.2 लीटर, तो इसको हमने पूरा 220 में पूरा पड़ जाता है हमारा 1.25 लीटर ऑयल, आप देख पा रहे होंगे 442 रुपये इसमें प्रिंट रहता है। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट से इसको डाल लेता हूँ गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों हमने अभी स्पीक के द्वारा से इसमें ऑयल डाल देते हैं, ये सारा ऑयल पड़ जाएगा और आप देख पा रहे होंगे ऑयल का कलर और ऑयल कैसा है कैसा नहीं है, आपको कलर देख के अंदाजा आ जाएगा ऑयल का, ये देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट से इसमें डाल लेता हूँ, फिर करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो दोस्तों ऑयल पड़ चुका है हमारा, हमने इसका ढक्कन ढक्कन सब लगा दिया है। तो अब हम डायरेक्टली गाड़ी में मारते हैं सेल्फ, चाबी हमारी ऑन ही है, तो अभी हमने चाबी ऑन कर ली है और फटाफट सेल्फ मार के चेक करते हैं गाड़ी में। चलिए दोस्तों मैं मारता हूँ फटाफट से सेल्फ। तो दोस्तों गाड़ी हो चुकी है हमारी कंप्लीट और एकदम आप देख पा रहे होंगे कि साउंड गाड़ी की और रनिंग भी देख पा रहे होंगे कितनी स्लो में रुकी हुई है और शायद कि आपको आवाज़ भी आ रही होगी इस रनिंग की, ये देख लीजिए आप आवाज़ इसकी। और बाकी आप एक्सीलेटर बढ़ा के देखेंगे तो थोड़ा एक्सीलेटर बढ़ाइए, ये देख पा रहे होंगे आप गाड़ी की आवाज़ एवेंजर बजाज एवेंजर की किस तरह से स्मूथ आवाज़ होगी है। तो दोस्तों सर्विसिंग में सारे काम यही होते हैं। अभी मैं गाड़ी को कर देता हूँ ऑफ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।